हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना छोटा सा मेकअप कलेक्शन। और हाँ, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप अपना मेकअप कलेक्शन का वीडियो बनाओ और अपने रूम टूर का वीडियो बनाओ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा घर यहाँ नहीं है। मैं अपने घर नहीं रहती, मैं बाहर रहती हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जॉब करती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना रूम जो है वो रेंट पे ले रखा है। तो मैंने अपने रूम को जैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आप लोग साथ शेयर जरूर करूँगी। और हाँ, मैं अपना मेकअप कलेक्शन भी ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो दिखाना तो बनता है ना यार। गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार आप लोग जज मत करना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं है, बहुत कम ही मेकअप का सामान है मेरे पास। तो मैं जो भी है आप लोग साथ हैप्पी हैप्पी शेयर कर रही हूँ, और आप लोग हैप्पी हैप्पी वीडियो देखो। और हाँ, वीडियो लास्ट तक देखना और इन्जॉय करना, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम, और वो है मेरा सिस्टम, और ये है मेरा घुपलू। इसको मैं प्यार से घुपलू बुलाती हूँ, है ना क्यूट सा। देखो, ओए मोटू, इसका बेचारे का मैंने दिल ये अलग कर दिया है, फाड़ करके ये अलग ही हो गया है। इतना इसके साथ मैंने खेला है, गिरना नहीं तू, इधर आ ऐसे। हाँ, ये है। और इसके अलावा वो मेरा सिस्टम, और इसी पे मैं अपना सारा काम करती हूँ, बेड पे ही बैठ के अपना वीडियो बनाती हूँ मैं। और वो रहा मेरा मेकअप कलेक्शन, मेरा मिरर, और पर्दे के पीछे का राज मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतना अच्छा है मेरे पर्दे के पीछे का राज कि इसके पीछे अगर आप देख लोगे ना तो आपको चक्कर आ जाएगा। कपड़े मैंने सही ढंग से रखे ही नहीं हैं, सब अस्त व्यस्त चुंगड़े मुंगड़े ऐसे ही मैंने फेंके हुए हैं। हाँ, और ये है मेरा किचन का सेक्शन, इधर मैं अपना जो भी मुझे खाना बनाना रहता है वो मैं इधर अपना खाना बनाती हूँ। और ये रहा मेरा डेकोरेशन। गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी मिरर में देखना आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा, आप लोग गेस करना कि ये मतलब ख़रीदा हुआ है या बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने ये खुद से अपने हाथ से बनाया है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि पैसा खरीदेंगे, ये वाला खरीदूंगी मैं, ये वाला तो ये 250 रुपये का मिलेगा, इससे अच्छा 60 रुपये का कलर खरीद के थोड़ा सा मेहनत लगेगा और बना लो। सो मैंने बना लिया, और ओवरहीट हो गया यार, सॉरी। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये लिखा है गुड वाइब्स ओनली। ये जब मैं अपने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो वो सीधा दिखता है, इस तरीके से मैंने इसको लिख करके चिपकाया हुआ है। एंड ये रहा मेरा मेकअप कलेक्शन, और ये इस तरीके का, और ये है मेरा मिरर। मुझे जब भी डांस वगैरह करना होता है, डांस करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ या कुछ भी, बस यहीं आके मैं खड़ी हो जाती हूँ और यहीं से मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। और ये रहा मेरा, अच्छा लग रहा है ना गाइज़। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने ये कलाकारी की है अपने दीवार पर वो कैसा है। हाँ, और ये चार्ट पेपर उसके कुछ बच गए थे तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया। मैं कुछ और जब बनाऊंगी तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रहा मेरा मेकअप, और ये रहा मेरा चुन्ने मुन्ने से मेकअप, ये सब। अब मैं वन बाई वन, मेरे पास गाइज बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, बट जो भी है थोड़ा बहुत वो मैं वन बाई वन आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। और मैंने बहुत ज़्यादा महंगा मेकअप नहीं खरीदा है, क्योंकि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। सो मैंने बजट में ही खरीदा है, क्योंकि जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा, अब तो इसलिए। और ये रहा मेरा पार्सल, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना हॉल, जो भी मैंने पार्सल ऑर्डर किया था। तो ये वो है, अभी तक मैंने इनके डब्बे भी नहीं खोले हैं, आप देख सकते हो। इन सब में से किसी का भी मैंने डब्बा अभी तक नहीं खोला है, अभी तक नहीं खोला है गाइज। हाँ, सब के सब अभी पैक्ड पड़े हुए हैं, ये सब के सब। और ये मेरी डायरी है, क्योंकि मैं इस पर अपना जो भी लिखना होता है मैं वो लिखती हूँ अपना, ठीक है। अब चल आते हैं हम लोग अपने मेकअप वाले पे, ठीक। तो शुरुआत हम सबसे पहले किससे करेंगे, आई पैलेट से करेंगे, क्योंकि सबसे, ये है मेरा कलर स्टूडियो का आई पैलेट ये, और ये मेरा दूसरा आई पैलेट है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने यही ख़रीदा था, सॉरी यूट्यूब नहीं, जब मैंने टिकटॉक पे रील्स बनाना स्टार्ट किया था टिकटॉक, तब मैंने ये ख़रीदा था आई पैलेट। सेकंड, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैंने ये ख़रीदा था, फिर भी मैं इन दोनों से सेटिस्फाई नहीं हुई, देन मैंने ये वाला ख़रीदा, क्योंकि इन सब में बहुत सारे ग्लिटर्स वगैरह थे इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये भी ख़रीदा था। तो ये कलर स्टूडियो का तो मैंने आपको दिखा दिया, ये जैन हिल पैलेट का मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ।
ये है। और इसमें से तो कितना सारा गिर के टूट चुका है, 1, 2, 3 ये सारे टूट चुके हैं मेरे, बट इनके कलर बहुत अच्छे हैं, पिगमेंटेशन इनकी बहुत अच्छी है गाइज। इसके अलावा ये रहा मेरा ये हेटेड विद लव का SFR का, इसके कलर बहुत अच्छे हैं गाइज, कलर इन सब के बहुत अच्छे हैं। ये मैं ग्लिटर आपको दिखाती हूँ, बहुत स्टिकी है इसका ग्लिटर, बहुत अच्छा है और इनके सारे कलर बहुत अच्छे हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एंड ये रहा मेरा टिश्यू, सबसे ज़्यादा यूज़ मेरा यही होता है दिन भर में। अब बारी आती है इसमें से क्या मैं दिखाऊँ, ब्रश। हाँ, सबसे पहले हम ब्रश पे आते हैं और मैंने ये अलग अलग ब्रशेस जो हैं ये आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इनके नाम गाइज मुझे नहीं पता, मैं इनके सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना, बट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वो ब्रशेस हैं और कुछ ये ब्रशेस हैं। ये मेरा सबसे पहला ब्रश है गाइस, जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने कौन कौन सा सबसे पहले ख़रीदा था, तो ये मैंने सबसे पहले ख़रीदा था इन सारे ब्रश को, इनको सबसे पहले ख़रीदा था, सेकंड नंबर पे मैंने इनको ख़रीदा था एंड थर्ड नंबर पे मैंने इनको ख़रीदा था। अभी मैं और ब्रशेज लेने वाली हूँ, जब मैं ले लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये रहा मेरा काजल और मस्कारा का सेट, क्योंकि ऐसे बहुत सारा मिक्स हो जाता है ना तो फिर समझ में नहीं आता है कि किस में कौन सा है क्या ढूंढूं, तो मैं इस तरीके से अलग अलग रखती हूँ। ये रहा मेरा स्विस ब्यूटी का मार्स का मस्कारा है, ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, NYB का ये वाइट काजल है, मैंने ये लिया था NYB का, अच्छा है ये भी बहुत। तो ये देन इसके बाद स्विस ब्यूटी का ये आईलाइनर है, स्विस ब्यूटी का ये काजल रहा मेरा, और ये ब्लू हेवन का मैंने ये 3 कलर के मैंने ये खरीदे थे, कॉम्बो में था 3 कलर के मैंने ये काजल खरीद रखे थे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने शैम्पू पे, तो ये रहा मेरा बॉडी लोशन नोविया का, और ये ट्रेसमे का मेरा शैम्पू, और ये मेरा गुड वाइब्स का ऑनियन शैम्पू, और ये रहा मेरा हर्बल खादी का शैम्पू। ओके एंड इसके बाद हम आते हैं अपने, ये रहा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर और मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने अपने सारे मतलब चूरा बनाने के रबड़ क्लिप्स ये सारे मैंने यूपिन क्लचर ये सारे मैंने इसी सेक्शन में रख रखे हैं। अब ये आता है मेरा, आप गेस करो इसमें क्या हो सकता है, ये है मेरा इयररिंग्स का सेक्शन, मैं इयररिंग्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे सारे इयररिंग्स सब मैंने यही लोकल मैंने कोई भी इयररिंग्स अपना जो है वो ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था, ये सब मैंने ऑनलाइन लोकल मार्केट है। सो अब हम आते हैं लिपस्टिक पर, तो लिपस्टिक के लिए ये है स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, और ये पता नहीं कब का मैंने ले रखा है, 2-3 महीने हो गए और अभी तक मैंने इनका उद्घाटन नहीं किया है गाइस, अभी तक मैंने इनका उद्घाटन नहीं किया है, बट अब सोच रही हूँ कि लीपापोती करूँ थोड़ा तो फिर उद्घाटन करूँ मैं इनका। हाँ, स्विस ब्यूटी का है ये, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसके कलर बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये आप देख सकते हो, और ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने बोला ना कि मैंने उद्घाटन नहीं किया है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ इधर स्क्रैच पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, इधर गड्ढा हो गया है, इसमें भी गड्ढा हो गया है, और इसमें भी गड्ढा हो गया है, इसमें भी गड्ढा हो गया है, और ये देखिए ये उंगली से लीपापोती किया गया इधर और इधर गड्ढा हो गया है। ये सारे करामात मैंने नहीं किए हैं, ये किसी स्पेशल पर्सन ने किया हुआ है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ही ये सारे करामात प्यार में दुलार में किया हुआ है, तो फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं उन्हें, वो करती गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने ये सारे कारनामे कर दिए। अब इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की, इन सारे लिपस्टिक की, तो मैं 1 by 1 सेक्शन आपको 1 by 1 दिखा देती हूँ। ये है लिप लाइनर सुपर मैट का लिप लाइनर मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, और ये 199 का ही शायद मिल गया था, या 200 के अंदर ही ये मुझे मिल गया था। इसके अलावा ये मेरा NYB की लिपस्टिक है, रेड लिपस्टिक, ये भी NYB का ही लिपस्टिक है मेरा,
और ये मेरा एलेटिन का लिपस्टिक है, और ये भी मेरा NYB की ही लिपस्टिक है, ये शेड नंबर इसका इधर इतना नहीं कहाँ होगा। इसके अलावा ये NYB का है, शक्ति का, NYB शक्ति का है। ये ब्लू हेवन एलिगेंस की लिपस्टिक है। ये है स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस। ये है हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक है, ये पर्पल का लिपस्टिक है। ये मार्स का, इसके अलावा ये भी हुडा का ही है, और ये भी NYB की लिपस्टिक है। और ये मेरा लिप बाम, और ये रोज़ क्वीन की लिपस्टिक। गाइस मेरी ऑलमोस्ट लिपस्टिक आप नोटिस करोगे ना तो आपको पर्पल और NYB की ही दिखेगी, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा ख़रीदा था, तो सबसे ज़्यादा मेरा यही है इन्हीं सब का। ये सारे मेरे हेयर बैंड्स हैं, ये सारे मेरे हेयर बैंड्स हैं, और एक ये मैंने अपने सर पे लगा भी रखा है, और ये मेरा आईलैश, ये मेरी चूड़ियाँ हैं 1, 2, 3, एंड इसके बाद ये मेरा मांग टीका है, ये मेरा मांग टीका है, और ये मेरी कुछ बिंदियाँ हैं, और ये मेरे नेकलेस और एंड वॉचेस, ये सब। अब हम बात कर लेते हैं अपने बेस की, जो भी मेकअप में हम यूज़ करते हैं, फाउंडेशन वगैरह ये सब। तो ये रहा मेरा, ये मैं डेली यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ अपना वाइट टोन का पाउडर, जब मैं कभी मार्केट वगैरह जाती हूँ तभी मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये है बीबी क्रीम, मेरा पॉन्ड्स बीबी क्रीम है, ये ख़त्म हो गया था तो मैंने ये और ये दोनों ये ले आई थी मैं, लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र और ये लिप्स, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्रीम। ओके, म्यूज़िक फ्लावर का मेरा ये है जेल आईलाइनर, ये ब्लू कलर का है, और ये ब्राउन कलर का है, और ये ब्लैक कलर का है, और ये ब्लू कलर का है। और इसके अलावा मेरा ये स्टेक वर्क का मेरा फाउंडेशन, इसका ढक्कन टूट चुका है, मैंने गिरा के इनका सत्यानाश कर दिया है। और ये है मेरा पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर, स्विस ब्यूटी का मेरा ब्लश, ब्लू हेवन का ब्लश, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, एंड ये स्विस ब्यूटी का मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर। लैक्मे का मेरा ये है लूज पाउडर, एंड स्विस ब्यूटी का मेरा ये कंसीलर जो कि ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये मेरा पॉन्ड्स का क्रीम है जो मैं कभी कभी लगाती हूँ, ये पॉन्ड्स बीबी क्रीम है। फेसेस कनाडा का मेरा ये फाउंडेशन, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, एंड ये NYB का मेरा है कॉन्टोर स्टिक, एक है कॉन्टोर स्टिक और एक है कंसीलर स्टिक, NYB का प्राइमर एंड स्विस ब्यूटी का प्राइमर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने स्किन केयर का। मेकअप का तो हो गया, लिपस्टिक का हो गया, सब कुछ हो गया, हेयर का हो गया, अब बचा है स्किन केयर का। स्किन केयर के लिए मेरे पास ये है रोजमेरी का फेस वॉश, एंड इसके अलावा ये मलबरी का फेस वॉश है, बट मैंने अभी तक इनका उद्घाटन नहीं किया है, ना ही मैंने इनको अभी तक खोला है। ओके, एंड इसके अलावा ये है ग्रीन टी का मेरा टोनर, हनी का टोनर है, एंड मलबरी का टोनर है, वाव का फेस वॉश है मेरे पास, एंड इसके अलावा जॉय का फ्रूट क्रीम है, और ये है मेरा गुड वाइब्स का चारकोल पाउडर, और ये है मेरा गुड वाइब्स का रोज हीप का फेस क्रीम है। फिर इसके अलावा ये नीचे के सेक्शन में है ये लोटस का डे क्रीम, और ये गुड वाइब्स का मेरा है पपाया का सनस्क्रीन से, हाँ। इसके अलावा फिर ये है लोटस का नाइट क्रीम, ये है गुड वाइब्स का क्या लिखा है ये ALOEVE सॉरी मजाक कर रही थी मैं, एलोवेरा जेल, हाँ। फिर इसके बाद ये है मेरा रोजिप का फेस स्क्रब है, ये मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं DIY स्क्रब ही केवल यूज़ करती हूँ, तो मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जब वीडियो मुझे बनाना होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी DIY वाला ही एक दो वीडियो में मैंने शेयर कर रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और ये है मेरा रोज़हिप का सीरम, गाइज इसकी मैं क्या ही बात करूँ आपको, मैंने जब सामान ऑर्डर किया था 2000 का या 1500, हाँ 2000 का ही था शायद, यही सब ये सारे सामान मैंने जब ये सारे ऑर्डर किए थे, ये सारा
इसको छोड़ के इसको 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 और इसके अलावा और भी कुछ सामान थे मेकअप के, वो सारे जब मैंने ऑर्डर किए थे तो मुझे आया था उसमें कि रोज़ हिप का आपको सीरम फ्री मिलेगा। इसके बाद जब ये आया तो इसको देख के मुझे चक्कर आ गया, चक्कर, क्योंकि मैंने एक जो एक्सपेक्टेशन किया था मुझे वो नहीं मिला बड़ा सा, मुझे लगा था कि इतना बड़ा मुझे मिलेगा, बट ये आया इतना चुन्नू सा आया था, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आई थी। वैसे भी फ्री का है ना, तो फ्री के माल का के लिए क्या ही इश्यू, क्या ही गुस्सा करना। हाँ, और ये है मेरा आलमंड्स का फेशियल ऑयल। ओके, हो गया। ये सारे मेरे मेकअप के सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये लिपस्टिक की स्टोरी। गाइज, मुझे लिपस्टिक इतना पसंद है, केवल मैं रखती हूँ खरीद खरीद के। मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाऊँगी मैं यही बोलूँगी, यार मुझे लिपस्टिक लेना है, तो वो सीधे यही मुझे जवाब देती हैं, तेरे पास जो लिपस्टिक है पहले वो तो यूज़ कर ले, इसके बाद तो दूसरा लेना। तो मुझे वहाँ मार्केट में कोई लिपस्टिक लेने नहीं देता, फिर भी मैं चोरी से एक दो ले लेती हूँ। जैसे मैंने इस बार चोरी से, उनकी चोरी से मैंने ये वाली लिपस्टिक ली थी, ये कलर भर वाली, ये खरीदा था मैंने। हाँ, और एक ये भी मैंने लिया था, पर भी मिल नहीं रहा है। जब ढूंढो कुछ ना तो मिलता नहीं है यार टाइम पे। हाँ, ये रहा, ये मैंने इन दोनों को खरीदा था इस बार। मैंने जब गई थी ना मार्केट, तो वो दोनों कुछ और सामान लेने लग गए थे, तब मैंने ये खरीदा था चोरी से, और उन लोगों को बताया भी नहीं था, घर पे आके बताया मैंने। ओके, तो ये है मेरा छोटा सा सेक्शन मेकअप का, जो कि मैं डेली अपने जब भी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। कुछ मेकअप के सामान इसमें भी हैं, कुछ क्या इन सब में मेकअप के ही सामान है जो मैंने इस बार ऑर्डर किए हैं, अभी तक इनको मैंने ओपन नहीं किया है। और ये तो आप लोगों ने देख ही रखा है मेरा रूम पहले से, ये तो अलग ही अपने मूड में है, है ना। ओए चुन्नू, ओए मोटू। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा रूम टूर, आपको मैं फिर से शो कर देती हूँ। ये था मेरा छोटा सा रूम टूर, एंड इसके अलावा मेरा मेकअप का सेक्शन छोटा सा, जो कि मैं यहीं पे अपना मेकअप का सारा सामान रखती हूँ। तो गाइज, आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरा मेकअप कलेक्शन कैसा था, और मेरा रूम कैसा था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिनको वीडियो पसंद नहीं आएगी वो डिसलाइक मत करना यार, क्योंकि डिसलाइक नहीं दिखता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि डिसलाइक हुआ भी है, तो एक लाइक ही कर देना। ओके, चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।